खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया वो सहाबा जिनको दुनिया तहकीर की नज़र से देखती थी तजलील की नज़र से देखती थी गैर मुतमद्दिन गैर महजब समझती थी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के इसी उसलूब तरबियत इसी अंदाज तरबियत जिसका मरकज व महवर तोहैद और तल्ल था जब आपने ऐसी तरबियत की तो दुनिया ने इन्हीं, इन्हीं नेराने वालों से तहजीब के सबक सीखे ऊंट चराने वालों से तमदन की बुनियाद पड़ी एक ऐसा तमदन के साढ़े चौदह सौ साल गुजर जाने के बाद आज भी इंसाफ पसंद लोग गवाही देंगे कि इससे बेहतर तमदन और तहजीब की बुनियाद शायद दुनिया को मिल पाए जमीत का स्टेज है यहाँ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जमीयत अहलेदीस इस हकीक़त को अच्छी तरह से समझती है और दुनिया को समझा रही है यह पैगाम दे रही है कि दुनिया वालों व सुन्नत का उसलूब इस्लाह अंदाज़ इस्लाह किताब सुन्नत का मनहज तरबीत सलफ़ साल का मनहज तरबियत यह है कि उम्मत को सबसे पहले अल्लाह तला से जोड़ने और अल्लाह तला की तोहद पर मेहनत करने की तरफ ले जाओ यहीं से असल में असलाह की बुनियाद पड़ेगी वरना मेहनतें होगी कामयाबी से हम किनार नहीं होगी कामयाबी अगर मिलेगी वक्ती कामयाबी मिलेगी पायदार नहीं होगी और अगर वक्ती तौर पर कुछ नौजवान आपके हमारे साथ दीन पसंद होकर जुड़ जाएंगे वो दीन पसंद रहेंगे दीनदार नहीं बन पाएंगे सही मानों में अगर इनकलाब चाहते हो लोगों की जिंदगी के अंदर तो फिर तौहीद पर मेहनत करो यही पैगाम हम सारी दुनिया के लोगों को देना चाहते हैं कि इस पर असल में काम करने की जरूरत है तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए बार बार पढ़ना चाहिए तुम्हें तोहैद की गहराई को समझना चाहिए तुम्हें ताल्लुक बिल्ल की लज्त को समझना चाहिए तुम्हें ताल्लुबिल्ला के हकीकी मफहम को समझना चाहिए वो मफहम जो कुरान में आया वो मफहम जो हदीस रसूल में आया वो मफहम जो सलफ़ सालीन की ज़िंदगी में आया ताल्लुक बिल्ला के उस्मानी को समझो वह इबादी अन्नी करीब

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ذي وقار سدر محترم ज़िम्मेदारा ने जमात व जमीयत मज्ज़ मा कराम बुज़र्गों नौजवान भाइयों और परदा नशीन ख़वान इस्लाम मेरे लिए बड़ी ही मसर्रत और शादमानी का मौका है कि मैं एक लंबे वक्फे के बाद आप हज़र व ख़वातीन के दरमियान हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा कश्मीर का इलाका अपनी सर्दी के हवाले से जाना जाता है लेकिन मेरी हर ज़िारत और हर आमद में मैंने आपकी तरफ़ से हमेशा गर्म जोश ही को मेहमान नवाजी के सबसे नुमाया पहलू के तौर पे पाया है आप भाइयों की मोहब्बतें और आप ज़िम्मेदारान की इनायतें इतनी हैं कि दिल ये करता है कि आपकी हर दावत को कबूल किया जाए आप में से बहुत सारे भाई इनफ़रादी तौर पर भी दावत देते हैं लेकिन कुछ तो मजबूरी होगी यूं ही कोई बेसबब बेवफा नहीं होता अल्लाह की मर्ज़ी के अल्लाह ताला ने एक वक्फ़े के बाद हाजिर होने का मौका दिया मैं इस मौके पर उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिम्मेदारान का उन भाइयों का जिन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ये मोहब्बतें उसकी खातिर तादम हयात और दायम रखे और रोज़े कियामत हम और आपको एक साथ इकट्ठा फरमाएं अर्श के साए तले भी और जन्नत में भी आमीन हाज़ीन ग्रामी कदर मख्तसर से वक्त में एक बड़े ही अहम उनवान पर मुझे गुफ्तु करनी है मेरे सामने है हैं उम्मत में ताल्लुक बिल्लाह का किरदार भाइयों ताल्लुक बिल्लाह जिसे कहते हैं वो तौहीद के कमाल का दर्जा है अल्लाह तबारक ने हम और आप को पैदा किया तो हमारी और आपकी ज़िंदगी को एक मकसद अदा फरमाए अल्लाह ने कहा वामा खलकन्न वनस अलिया अब मैंने जिन न इंस को पैदा ही किया इसलिए कि वो मेरी इबादत करे अल्लाह की इबादत मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है और आज जब हम माशरे के बिगाड़ को सामने रख कर इसलाह उम्मत की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बुनियादी नुक़े को आपके सामने रखना है कि इस मकसद ज़िंदगी से हम जिस क़दर ज़्यादा गहरी वाबस्ती रखेंगे अल्लाह की तोहद मेरे और आपके अंदर जिस कदर पुख्ता होगी इसकी जड़ें जिस कदर अंदर हमारे उतरेंगी हमारा और आपका रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह तबारक से गहरा जिस कदर होगा उसी कदर ज़्यादा हमारी और आपकी असलाह और समाज की असलाह का ये मिशन कामयाबी से हमकिनार होगा भाइयों समाज अफ़राद से बनता है और समाज के सुधार के सिलसिले में सलफी नुक़ः नज़र ये है कि हम समाज को बदलने से पहले ख़ुद को बदलने की बात करें हम जमात को बदलने से पहले फ़र्द के सुधार की बात करें आदमी जब खुद को सुधारता है तो समाज की एक इकाई को सुधारता है और हर फर्द जब अपने आप को सुधार लेता है तो फिर समाज के सुधार में पूरी तरह से हर फर्द अपना हिस्सा लगा रहा है हिस्सा दे रहा है यह बात सलफी नुत नज़र की दावत का तुर्र इम्तियाज़ है हाजिन गिरामी कद्र जब हम इस मसले पर बात करें कि हमें समाज को सुधारना है गुनाहों से पाक करना है जुर्म और जराइम से पाक करना है जुल्म और ज़ियादती से पाक करना है नासाफ़ी से पा करना है खराबी से पाक करना है ज़ाहरी व बातनी गंदगी से पा करना है गलत सोच से हमें समाज को पाक करना है और सबसे बढ़कर कर ये कि इंसानियत को पामाल करने वाले ये जो हाथ हैं इन पे लगाम लगानी है और इस समाज को एक मिसाली मुआशरा बनाना है तो कुरान सुन्नत की तालीमात हम और आपको एक बुनियादी नुक्ता सुझाती समझाती हैं कि तुम सबसे पहले जलाल से तुम्हारा अपना जो रिश्ता जो ताल्लुक़ है इसका जायजा लो इसका मुहासबा करो इसको सुधारो इसको सवारो जिस दिन तुम अल्लाह के हो गए समाज के लिए तुम सबसे बेहतर इंसान हो गए जिस दिन तुम अल्लाह ताला की बंदगी में कमाल के दर्जे पे पहुंच गए सारे समाज के लिए तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो गए जिस दिन तुमने अपने आप को अल्लाह ताला की बंदगी के कमाल पे पहुंचा लिया इस समाज के हर फर्द के लिए तुम एक कीमती जखीरा बन गए कि तुम्हारे वजूद से दुनिया रोशनी हासिल करे तुम्हारे वजूद से दुनिया अमन व सुकून का पैगाम पाए तुम्हारे वजूद से दुनिया खैर व शर में तमीज़ का सबक सीखे तुम्हारे वजूद से दुनिया खैर व शर की न सिर्फ पहचान कर पाए बल्कि खैर में आगे बढ़ने की तरगीब पाए शर के मामले में तुमसे तो पीछे हटने की तुमसे तरगीब पाए तुम्हारे वजूद को अल्लाह तबारक ताला इस कदर मुनर कर देगा अगर एक मरतबा सच्चा और सही रिश्ता अल्लाह ताला से जोड़ने में कामयाब हो जाओ तुम्हारी तोहैद मिसाली तोहीद अगर बन जाए तो यकीन मानो तुम सारी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो

मुशर हाजिन गिरामी कद एक हकीकत आप याद रखें इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है वो भला करे बुरा करे उसको हरकत में लाने के लिए कुछ दवाफे होते अंदर से कोई चीज़ होती है जो उसे कुछ करने पर आमदा करती है एक जज्बा होता है एक नीयत होती है एक इरादा होता है उसके सामने कुछ मकासद होते हैं वो क्या होते हैं इंसान या तो किसी की मोहब्बत में हरकत में आता है या फिर इंसान अपने किसी मफाद के हसूल के लिए हरकत में आता है जिसे वो अपना मफाद समझता है या फिर इंसान इस दुनिया में किसी नुकसान से डरता है बचना चाहता है उस नुकसान से बचने के लिए हरकत में आता है इस इंसान के सारे हरकत सकनात सारे अमाल अगर हम और आप देखें इन्हीं जज्बात के ताबे रहते हैं या तो किसी की मोहब्बत में आप काम कर रहे हैं या किसी से डर के काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ चाहते हैं उसकी चाहत के हसूल के लिए आप काम कर रहे हैं इस्लामी शरीयत आपको बताती है तोहद और त्लबिल्ला का मतलब ही ये है कि अल्लाह तबारक की इबादत इन तीन जज्बों के साथ की जाए और इन तीन जज्बात को इन तीन सिफ़ात को कमाल के दर्जे तक पहुँचाया जाए अहले इल्म ने लिखा अल्लाह की इबादत तीन जज्बा का मजमु हुआ करती है एक तो अल्लाह की महब्बत है दूसरे अल्लाह तबारक से रजा यानी उम्मीद है और तीसरी चीज़ खौफ है बंदा हरकत में आता है या अल्लाह ताला की इबादत करता है बंदे की इबादत में ये तीनों जज्बात होने चाहिए बंदे को अल्लाह की महब्बत में इबादत करनी चाहिए अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करके इबादत करनी चाहिए अल्लाह के खौफ और अल्लाह ताला के डर से भी अल्लाह इबादत करनी चाहिए बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से जब मजबूत होता है ये अल्लाह से महब्बत बंदे की कमाल को पहुँचती है ताल्लुक जब मजबूत होता है उम्मीद और रजा का ये रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत से मजबूत तरीन होता जाता है अल्लाह ताला से ताल्लुक मज़बूत होता है अल्लाह ताला से खौफ़ का रिश्ता मजबूत होता है और जब बंदे का रिश्ता महब्बत के दर्जे में हो खौफ के दर्जे में हो रजा और उम्मीद के दर्जे में हो अल्लाह तबारक वाली से मजबूत हो जाए फिर अल्लाह की महब्बत सारी महब्बतों पर गालिब आ जाती है अल्लाह ताला से उम्मीद सारे मफादार परालिब आ जाती है और अल्लाह ताला का खौफ दुनिया के हर खौफ पर गालिब आ जाता है इस तरह तोहैद और त्लबिल्ला बंदे को अल्लाह तला का बना देता है और जो बंदा अल्लाह का हो जाता है वह अल्लाह ही के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है फिर वह कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ आगे नहीं बढ़ता है फिर वो अपनी जिंदगी को अल्लाह के रंग में कुछ यू रंग लेता है कि इस रंग के अलावा शख्सियत कोई और रंग जचता हुआ महसूस नहीं होता अल्लाह के बंदो इसलिए ये पैगाम आज यहाँ से याद रख के जान अल्लाह के बंदो के ताल्लुक बिल्लाह से बड़ा कोई काम नहीं जो इस्ला के बाब में हम और आप कर सके तल्लुक बिल्ला से बड़ा कोई ज़रिया नहीं अल्लाह की तोहद को मजबूत करने से बड़ा कोई जरिया नहीं जिसके ज़रिए हम इस दुनिया के अंदर तब्दीली लाएं इनकलाब लाएं, सुधार लाएं, खराबियों का खात्मा करें बुराइयों के खिलाफ जंग करें इसके लिए अल्लाह तबारको तला के तल्ल से बड़ा कोई जरिया नहीं इससे बेहतर कोई वसीला नहीं इससे ज्यादा जमानत वाला कामयाबी से हमकिनार करने वाला कोई रास्ता नहीं इस हकीकत को अपने दिलो दिमाग में बिठा कर जाओ भाइयों हम अपनी असलाह खुद करना चाहते हैं मेहनत अपने आप पे करो कि हर गुजरते दिन के साथ मेरा रिश्ता अल्लाह ताला से मज़बूत से मजबूत तर होना चाहिए अल्लाह की कुर्बत अल्लाह की नज़दीकी अल्लाह व ताला के कुर्ब का तजर्बा दिन दोगुनी रात चोगनी हमारे अंदर तरक्नी तरक्की करना चाहिए ये मेरी और आपकी की बुनियाद है मैं सबसे पहले अपने अल्लाह से अपने रिश्ते का जायज़ा लूँ और अगर हम समाज के सुधार की बात करते हैं तो फिर ये भी याद रखो समाज को सुधारने के लिए भी समाज के अफ़राद का हर फर्द का अल्लाह तबारक से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो कि यही कामयाबी की जमानत है भाइयों उसूली और बुनियादी बात अगर आपने समझ ली है तो ज़रा आइए हम किताब और सुन्नत की नसूस की तरफ चलते हैं जहाँ हमारी रहनुमाई की गई है कि इसलाह उम्मत का काम हो इंसानियत की खिदमत की बात हो या फिर इस दुनिया के अंदर एक बेहतर माशरा कायम करने की बात हो या फिर यह कि इस दुनिया के अंदर बुराइयों के खातिमे की कमीशन हो हम और आप इसलम बनना चाहते हैं कुरान सुन्नत मेरी और आपकी क्या रहनुमाई करते हैं अल्लाह अगर हम और आपको तो आप प्यारे वसल्लम को अल्लाह तथा में भेजा था वह समाज मुशरकों का था गैरुल्ला की इबादत में डूबा हुआ था बुतपरस्ती में डूबा हुआ था और इस बुतपरस्ती में डूबे होने के साथ साथ इस समाज के अंदर बड़ी खराबियाँ थी इस समाज के अंदर बड़ी बुराइयाँ थीं इस समाज के अंदर बहुत सारी खराबियों ने अपने पंजे गाड़ रखे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेसत से पहले के ज़माने को आज भी हम जमाने जाहिलियत कहते हैं आज भी हम उसे जाहिलियत का दौर कहते हैं आज भी हम यह कहते हैं कि उस दौर का इंसान पूरी तरह अपनी इंसानियत पे बाकी नहीं रह गया था वो कई मामलों में इंसानियत के दर्जे से गिरकर हैवानों के दर्जे में आ गया था आज भी हम कहते हैं इस बिगड़े समाज को इस उजड़े समाज को इस अल्लाह ताला से दूर गए समाज को या फिर यूं कहिए कि इंसानियत के दर्जे से गिरे समाज को अल्लाह के नबी ने सुधारा अल्लाह के नबी ने संवारा अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनकी तरबियत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बनाया अल्लाह के हुक्म से कैसे बनाया आप जानते हैं पूरी तेईस साल नबवी ज़िंदगी में पूरी तेईस साल नबवी मिशन वाली आपकी अपनी ज़िंदगी में आपने क्या किया तेरह साल तक तीन बुनियादी अकीदों पर आपने काम किया तोहहीद रिसालत आखरत, मक्की सूरतों का यह मरकजी मौजूद था अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने तोद के पैगाम को तेरह साल तक पूरी मजबूती के साथ मक्की जिंदगी में लोगों में आम किया फिर आप अलैहि वसल्लम मदीना चल कर आए जब अल्लाह के नबी मदीना पहुँचे दस साल आपने वहाँ गुजारे आमतौर पर अहल इम ये बात कहा करते हैं यहाँ अहकाम शरीय इबादत अखलाक सियासत मामलात किरदार ये सारी तलीमत इस्लामी शरीयत की मदीने में नाजिल हुई लेकिन दो बातें मैं आपके सामने कहूँ पहली बात तो ये कि मदीना में ये सारी तालीम तोहद की उसी दावत के साथ रहीं। तोहद की दावत का तसलसल मक मदीने में भी बराबर जारी रहा तोहैद की दावत का ये तसलसल बराबर जारी रहा अल्लाह के नबी ने इन अहकाम की पाबंदी करवाई तो त्लबिल्ला की उन बुनियादों को मसल मुसल सैराब करते रहे मुसलसल तकवीत देते रहे और साथ में आपने काम किया और उससे आगे बढ़कर एक बड़ी बात आपके सामने कहूँ भाइयो ये ना समझो कि अकीदा एक है अमल एक और चीज़ अकीदा अलग है अमल एक और चीज है अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपका हमारा समझना गलत है भाइयों आप अगर देखें अमल हकीकत में उसी अकीदे का अमली मुजाहरा हैदा अकीद, उसी अदे तोहैद उसी त्लबिल्ला की तस्वीर है बंदे का अकीदा उसके अमल में नजर आता है बंदे का अल्लाह ताला से रिश्ता उसके अमल में झलकता है बंदे का उसके रब से रिश्ता उसके अपने अमल में नज़र आना चाहिए यही इस्लामी शरीय की तालीम है और अगर आप इस नुकते को समझ पा रहे हैं तो फिर यूँ समझिए मदीने की दस साल जिंदगी भी अल्लाह के नबी ने ताल्लबिल्ल और तोहीद की मजबूती पर ही अल्लाह के नबी ने काम किया आप देखो, सही बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस सिर्फ आपके सामने पेश अल्लाह के नबी ने क्या अल्ला के गिना रहे हैं लेकिन उसका देखो, देखो। अल्लाह के नबी ने फरमायाबूर ने फरमाया

अपनी पड़ो अपने पड़ोसी की तकरीम करो ये वो तालीमत हैं जिन्हें हम अखलाकी तालीमत कहते हैं लेकिन अल्लाह के नबी अखलाकी तालीम को समझाने के लिए हवाला दे रहे हैं ईमान बिल्लाह का ताल्लुक बिल्लाह का कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि बोले तो अच्छा बोले उसको चाहिए कि अपने मेहमान की तकरीम करे उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्ज़त करे और दूसरी रिवायत में अल्फाज भी आए मनका मीनू बिल्ल व आखिर फला

तो उसका उसकी बरकत क्या नजर आई मालूम है आपको शायर ने कहा खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया वो सहाबा जिनको दुनिया तहकीर की नजर से देखती थी तजलील की नजर से देखती थी गैर तमदिन गैर महजब समझती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी उसलूब तरबियत इसी अंदाज तरबियत जिसका मरकज और महवर तोहैद और तल्लब था जब आपने ऐसी तरबियत की तो दुनिया ने इन्हीं इन्हीं ऊट चराने वालों से तहजीब के सबक सीखे इन्हीं ऊंट चराने वालों से तमद्दुन की बुनियाद पड़ी एक ऐसा तमद्दुन के साढ़े चौदह सौ साल गुजर जाने के बाद आज भी इंसाफ पसंद लोग गवाही देंगे कि इससे बेहतर तमद्दुन और तहजीब की बुनियाद शायद दुनिया को मिल पाए हाजी गिरामी कदर मैं आपके सामने जो बात वाज करना चाह रहा हूँ वो ये कि भाइयों तल्ल बिल्ला अल्लाह ताला का बहुत बड़ा सरमाया बहुत बड़ी दौलत ये अल्लाह की तोहद ही है जिससे असल में हकीबी तब्दीली मेरे और आपके अंदर आएगी मेरे और आपके जाहिर से पहले मेरे और आपके बातिन में तब्दीली आएगी मेरे और आपके जाहिर के सवरने से पहले मेरे और आपके बातिन के अंदर वो इनकलाब बपा होगा जो आगे चल कर सारी दुनिया को इंसानियत के आला दर्जे पर ले जाने अल्लाह की बंदगी के कमाल तक ले जाने वाला कारनामा अंजाम देगा हाजिन गिरामी कद आप अगर पढ़ कर देखें कुरान में अल्लाह ताली ने ये बात हमें जा बजा बयान फरमाई कौमें हमसे पहले बहुत सारी हुई, हजरत नलात की कौम कौम आद उसके बाद कौम सम उसके बाद उसके बाद बनी इसराइल मूसा वीसीत वसलाम बनी इसराइल में हजरत शुाब आप इन तमाम अम्बिया के वाक़ात को कुरान में पढ़ते हैं आप ये बात जानते हैं हर कौम के बिगाड़ का अंदाज़ जुदा गाना था कौम लुत बद अखलाक़ी में कम में मुबला थी कौम शुआब नापतोल में कमी का शिकार थी कौम सम अपनी ताकत के बल पर अकड़ने वाली थी कौम नूह तब काती की दावत पर बात करने वाली थी यह सारी क़ामें तरह-तरह की बुराइयों में डूबी हुई थी लेकिन अल्लाह ने इनकी अल्ला का पैगाम को देकर भेजा उन तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने किन बुनियादों काम करने को कहा अल्लाह ने फरमाया भेजा हमने पैगाम उनको यही दिया की बात करो मेरी तोहहीद को समझाओ मेरे ताल्लुक को समझाओ उनको बताओ कि मेरी तो मुझसे ही असल है वो मेरी ही इबादत करें हर नबी ने खराबियां गाना कौमे अलग जमाना अलग हालात अलग हैं लेकिन पैगाम सबकी इस है वह है और पे काम करना आप शुरह शुआरा पढ़कर देखें सुरह शुरा में अल्लाह ताला ने एक एक रुकू में एक एक नबी के वाक़े को बयान किया हर नबी के वाक्य का आगाज अल्लाह ने किया तो हर नबी की जबानी ये दावत अल्लाह ने सुनाई फत

एक इंसान के अंदर यह तोद किस कदर से ज़्यादा तब्दीली ले आती है आपने मूसा व फिराउन का किस्सा सुना होगा हज़रत मूसा सलात वाम जब फिराउन के दरबार में पहुँचे थे उसको तोहद की दावत दी थी उसने हजरत मूसा से मुकाबले की ठानी, जादूगरों को मुकाबले के लिए बुला लिया जादूगर आए और जादूगर दुनिया वालों से चाहते क्या हैं या तो माल चाहते हैं यात चाहते हैं या शहरत चाहते हैं वो आए तो अपने मुकाबले से पहले फ़्राउन से ज़मानत चाहते हैं फिराउन की तरफ से गारंटी चाहते हैं फ़िराउन की तरफ से वादा चाहते हैं क्या वादा नहनिबिन ए फ़िराउन अ बादशाह ये बता दो तो सही हम मुकाबला करेंगे मूसा को हराएंगे उन पर गालिब आएंगे उनको मकलूब करेंगे उन पर गलबा पाकर तुम्हारी मुराद को पूरा करेंगे लेकिन पहले यह ज़मानत दे दो ये बता दो हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा हम जीत गए तो हम किस चीज़ से नवासे जाएंगे फिराउन ने जो सबसे बड़ा इनाम हो सकता है कहा तुम अगर जीत जाओ तो तुम्हें क्या दूँगा तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूँगा अपना दरबारी बना लूंगा और मेरे दरबारी बन गए तुम्हें इज्जत भी मिल गई तुम्हें मनसब भी मिल गया तुम्हें दौलत भी मिल गई तुम्हें पहचान भी मिल गई तुम्हें तुम्हारी दुनिया सब कुछ मिल गई यही जादूगर हैं मुकाबला करते हैं हजरत मूसा अलैहि व सलाम से और मुकाबले में शिकस्त के साथ ही उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से तौहीद की तौफीक मिल जाती है अब आप देखो दुनिया का ये उसूल याद रखो जो आदमी दुनिया में जिस कदर ज़्यादा दिल लगाता है उसी कदर ज़्यादा डरपोक हुआ करता है ये दुनियादार थे जादूगर ये दुनियादार थे जादूगर इनके दिल में किस कदर डर होना चाहिए किस कदर खौफ होना चाहिए फिरौन ने धमकी दी और बड़ी धमकी दी खतरनाक धमकी दी कहा अगर मूसा पर ईमान से वापस नहीं पलटोगे बहुत बुरी तरह मारे जाओगे सजा भी इतनी तकलीफ दे दूंगा कि तुम्हारे आजा जीते जी काट दूंगा और काटूंगा भी तो ऐसे कि दाया हाथ काटूंगा तो पैर बाया काटूंगा और हाथ अगर बाया काटूंगा तो पैर तुम्हारा दाया काटूंगा सुबह धमकी खतरनाक और ऐसी खौफजदा करने वाली कि अगर दुनिया में दुनिया की मोहब्बत बाकी है तो आदमी घबरा जाए सुबह ना देखो तोहहीद आदमी को किस कदर सुधार देती है अंदर से कैसे बदल देती है तोहीद कैसा इनकलाब बरपा करती है इन जादूगरों को देखो उनके अल्फाज को देखो और ज़रा रुक कर अपनी जिंदगी में भी इसका मुहासबा करो कहने लगे कालूला गैर काल उनके सामने कहा तुम चाहे जो कर लो हमारा कुछ होने वाला नहीं हम तो इस लालच में अब जी रहे हैं कि जो गलतियां हमने तुम्हारी बात सुन के कर ली अल्लाह उनको माफ़ करके हमें बख्श दे और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए कि हम उसी की तरफ मुतवजह हो रहे हैं भाइयों एक लम्हा पहले दुनिया की मोहब्बत जिनके दिल में इस कदर अंदर तक रची बसी हुई थी दूसरे ही लम्हे इस कदर जिया यादा बेनियाजी इस कदर जी यादा बेखौफ हो जाना यह तब्दीली कहाँ से आती है तल्लु बिल्ला से आती है तोहद खालिस से आती है इसीलिए अल्लाह ताला के बंदो लोगों में काम करो तो इसी दावत पर काम करो कि लोगों के अमल की असलाह होनी चाहिए हाजिर न गिरामी कदर बात को मैं आगे बढ़ा ले जाऊँ तो आपके सामने एक बड़ी अहम बात और रखना चाहता हूँ आज अल्लाह का फदलो करम है उम्मत के अंदर जमातों की तंजीमों की तहरीकों की कमी नहीं है और अगर मुल्क सतह पर आप छोड़ दें इलाकाई छतः पर छोटी छोटी जमातों तंजीमों की भी बात करें बिमल बिला मुबालगा इस मुल्क में उम्मत की असलाह की फ़िक्र में काम करने वाले बहुत सारे हैं आज हमें हम उनको ये दावत देना चाहते हैं ये जो मर ये जो अहले हदीस का स्टेज है यहाँ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जमीयत हदीस इस हकीकत को अच्छी तरह से समझती है और दुनिया को समझा रही है ये पैगाम दे रही है कि दुनिया वालों किताब और सुन्नत का उसलूब इस्लाह अंदाज इस्लाह किताब और सुन्नत का मनहज तरबियत सलफ़ साल का मनहज तरबियत यह है कि उम्मत को सबसे पहले अल्लाह तला से जोड़ने और अल्लाह तला की तोहिद पर मेहनत करने की तरफ ले जाओ यहीं से असल में असलाह की बुनियाद पड़ेगी वरना मेहनतें होगी कामयाबी से हम किनार नहीं होगी कामयाबी अगर मिलेगी वक्ती कामयाबी मिलेगी पायदार नहीं होगी और अगर वक्ती तौर पर कुछ नौजवान आपके हमारे साथ दीन पसंद होकर जुड़ जाएंगे वो दीन पसंद रहेंगे दीनदार नहीं बन पाएंगे सही मानों में अगर इनकलाब चाहते हो लोगों की जिंदगी के अंदर तो फिर अंदर पर मेहनत करो यही पैगाम हम सारी दुनिया के लोगों को देना चाहते हैं कि इस पर असल में काम करने की ज़रूरत है इस पर असल में काम करने की ज़रूरत है देखो कितना लतीफ़ सा इशारा हदीस कुदसी में कितनी प्यारी बात अल्लाह के नबी ने अल्लाह तबारक ताल के हवाले से नकल की सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतु फूनी अहदी कुम अरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूं अब तुम्हें करना क्या है तुम मुझसे हिदायत तलब करो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा अल्लाह के बंदो जब अल्लाह से तल्लु ही नहीं होगा तो बंदे अल्लाह से हिदायत के तलबगार कब होंगे और जब अल्लाह ताला से हिदायत के तलबगार नहीं होंगे तो फिर इनको जलालत और गुमराही से निकलना कैसे नसीब होगा अल्लाह के बंदो इस हकीकत को समझा करो कि अल्लाह ताला से ताल्लुक पर मेहनत करना यह असल में उम्मत की असलाह का मरकज और महवर है और आप और हम जब तक इस बुनियाद पर मेहनत नहीं करेंगे बड़ी तब्दीली हम और आप देखने में नाकाम रहेंगे हाजिर गिरामी कदर आज हम जिस समाज में जी रहे हैं ना यहाँ देखिए मैं लोगों को तीन किस्मों में बांटकर आपके सामने रखता हूँ ये जो हमारा समाज है ये जो हमारा समाज है इसमें बहुत कम अल्लाह के बंदे और बंदियां ऐसी रह गई हैं जो वाकई मानों में जिनके ताल्लुक बिल्ला को हम कह सकते हैं वो कमाल के दर्जे में अल्लाह का फजलो करम है उम्मत खैर से खाली नहीं थी खैर से कभी खाली होगी भी नहीं ये खैर उम्मत है उम्मत का खैर बाकी रहेगा उम्मत के साथ और उम्मत का एक तबका जरूर रहेगा लेकिन उनसे हटकर आम लोगों की अगर बात करें तीन किस्म के लोग हमें मिलेंगे एक किस्म के लोग वो जो अल्लाह ताला के बागी हैं अल्लाह ताला से उनका कोई रिश्ता नहीं अल्लाह ताला से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं ये पहली किस्म के लोग हैं दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिनका रिश्ता बजाहिर अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं लेकिन अपने और अल्लाह ताला के दरमियान ऐसे वास्ते और वसीले ले आए हैं नाम तो अल्लाह ताला का है लेकिन ताल्लुक हकीकत में लोगों का वास्तों और वसीलों से आगे बढ़ता ही नहीं है वो अलिया के नाम पर हो वो बुजुर्गों के नाम पर हो वो आले बैत रसूल वसल्लम के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो नाम अल्लाह ताला का लेकिन ताल्लुक इन दरमियान के वास्तों से आगे बढ़कर अल्लाह ताला से हकीकी रिश्ता नहीं जुड़ पाता ये दूसरी किस्म के लोग हैं जो उम्मत के अंदर नजर आएंगे और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जिनका रिश्ता अल्लाह ताला से है वो वास्ते वसीलों से परे अल्लाह ताला से जुड़े हैं लेकिन रिश्ता बड़ा कमज़ोर है रिश्ता बड़ा कमज़ोर है अल्लाह ताला से ताल्लुक में मजबूती नहीं अल्लाह व तआला से ताल्लुक में इस्तकाम नहीं इस्तमरार नहीं अल्लाह ताला से ताल्लुक डगमगाता है सुबह को ईमान मजबूत होता है शाम तक डगमगाने लगता है शाम में ईमान मजबूत है सुबह तक डगमगाने लगता है अल्लाह के बंदो जो अल्लाह के बागी हैं उन्हें यह पैगाम देने की कोशिश करो कि दुनिया में अल्लाह ताला की बंदगी से दूर जाने से बड़ी यतीमी कोई नहीं एक यतीम बच्चा जिस कदर ज़्यादा काबिल रहम हालत में होता है उससे ज़्यादा काबिल रहम हालत में वो इंसान है जो अल्लाह का पैदा किया हुआ है लेकिन अल्लाह ताला की बंदगी से उसका कोई रिश्ता नहीं है उससे ज़्यादा काबिल रहम इस दुनिया है और दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो अल्लाह के नाम से जुड़े हैं लेकिन हकीकी ताल्लुक उनका वास्तवों और वसीलों से रह गया है तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए बार बार पढ़ना चाहिए तुम्हें तोहैद की गहराई को समझना चाहिए तुम्हें ताल्लुक बिल्ला की लज्ज़त को समझना चाहिए तुम्हें ताल्लुक ताल्लुबिल्ला के हक़ीक़ी मफहम को समझना चाहिए वो मफहम जो क़ुरान में आया वो मफहम जो हदीस रसूल में आया वो मफहम जो सलफ़ सालीन की ज़िंदगी में आया ताल्लुक के केमानने को समझो वह इदा सअलक इबादी अन्नी फ़न्नी करीब उजीबु दाई इदा ली जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप कहें मैं करीब हूं पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूं. फलियस्त बोली वो मुझे को पुकारे वलियु मीनू भी मुझी पर ईमान रखें लाशुदून शायद के वो इस्लाम माशर में कामयाब हो जाए शायद के वो कामयाब हो जाए अल्लाह के बंदो ताल्लुक बिल्ला की हकीकत को समझो और रहे हमारे वो भाई और बहनें जो अल्लाह के फतलो करम से इन दोनों जरायम या गलतियों से पाक हैं लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ नाम का है बड़ा कमज़ोर सा है महब्बत है लेकिन महब्बत कमज़ोर है डर है लेकिन डर के अंदर खलल है अल्लाह से उम्मीदें हैं लेकिन दुनिया से भी उम्मीदें जोड़ कर रखे हैं बेअमली कम अमली गुनाहों वाली ज़िंदगी में हम और आप जी रहे हैं अल्लाह के बंदो अल्लाह की मोहब्बत की एक लज्जत है अल्लाह से ताल्लुक़ का एक मज़ा अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का एक बहुत ही बड़ा इस दुनिया के अंदर मज़ा है जिसे चखने के लिए हम और आपको अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने तल्लु बिल्ला के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें करूँ लेकिन आपके सामने दो बुनियादी हदीसें जिक्र कर देता हूँ इन दो हदीसों को आप सुनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी ये जो शरीयत के अहकाम हैं मसाइल हैं तालीमा हैं हिदायत हैं ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं यानी यूँ समझिए वो ये कहना चाह रहे हैं एक पकड़ता हूँ तो दूसरे हाथ से निकल जाती है एक पे तो देता हूँ तो दूसरी छूट जाती है अल्लाह के नबी आला दुल्आलामरन अ तशब्बसूभी अल्लाह के नबी कोई एक ऐसी जाम तालीम बता दीजिए मैं उसको लाजिम पकड़ लूँ तो इन तमाम खैर का जामे वो बन जाए मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं हर तरह के खैर का मुस्क हो जाऊँ अल्लाह के नबी ने फ़रमाया ला यजालसानु कात बम दिक्ला तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र अल्ला से हमेशा तर रहनी चाहिए तुम्हारी ज़बान अल्लाह ताला के जिक्र से हमेशा तर रहनी चाहिए और अल्लाह के नबी के बारे में सहाबी ने खुद ये बात इरशाद फरमाई कान रसूल सल्ला फी यद करफी अल्लाह के नबी हर वक्त अल्लाह तबारक का जिक्र किया करते थे भाइयों ये जिक्र सिर्फ अल्फाज के दो की तर, 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 तकरार का नाम नहीं ये जिक्र सिर्फ अपनी ज़बान से कुछ अल्फाज के अदा करने का नाम नहीं ये ज़िक्र अल्लाह की याद है ये ज़िक्र अल्लाह से ताल्लुक है हर बार जब भी हम जिक्र करते हैं अल्लाह से ताल्लुक की तजदीद करते हैं अल्लाह से ताल्लुक को और ज़्यादा तकवीत देते हैं हमारा और आपका अल्लाह तबारक से हमारे रिश्ते को मजबूती अता करता है और हर जिक्र के साथ हम अल्लाह ताली से चंद कदम और करीब होते हैं अल्लाह से और नज़दीक होते हैं अल्लाह के बंदो ज़िक्र में हमारी नमाज भी कुरान की तिलावत भी मुख्तलि मुनासिबतों से सिखाए गए अजकार भी स और शाम के अजार भी और उसके साथ साथ नहीं मुतल जिक्र जो किसी वक्त का पाबंद नहीं चलते फिरते सुबह अल्लाह अलहमदुल्लाह अकबर अस्तर ये जो चलते फिरते जिक्र है अल्लाह के बंदो तोहद खालिस का कमाल ये है कि बंदा अल्लाह की महब्बत में अल्लाह की इबादत में अल्लाह की बंदगी में कुछ इस कदर डूबता चला जाता है कि डूबते डूबते फिर उसे अल्लाह तबारक ताला के ज़िक्र के अलावा दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता अल्लाह के जिक्र के अलावा उसे दुनिया में किसी चीज़ में दिल नहीं लगता माफ़ करना हम और आप अपने आप कोदीस कहते हैं और शुक्र है अल्लाह का कि हम हैं ऐसा नहीं कि नहीं लेकिन मेरे भाइयों अभी हमारी तोहैद को उस कमाल के दर्जे तक पहुँचना है जिस दर्जे में पहुँचने के बाद हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो इबन कैम रहा ने लिखा है कि जो बंदा अल्लाह के जिक्र का आदी हो जाता है वो थोड़ी देर के लिए भी अगर जिक्र से गाफिल होता है तो उसकी कैफियत ऐसी होती है जैसे उस मछली की जिस मछली को पानी से निकाल के बाहर डाल दिया गया हो वह मुसलसल तड़पती रहती है तड़पती रहती है यहाँ तक कि या तो उसे पानी में दोबारा डाल दिया जाए जी उठती है या फिर तड़पते तड़पते जान देती है सुबह अल्लाह मेरी और आपकी तोहहीद को वक्त कमाल कब नसीब होगा जहां अल्लाह के जिक्र से थोड़ी गफलत भी हम पे इतनी शाख गुजरे अल्लाह फरमाए हमें अभी बहुत लंबा सफर बाकी है अमल का बड़ा लंबा सफर बाकी है इसलाह का बड़ा लंबा काम बाकी है हम उलमा और हम खवास सब को मेहनत करने की ज़रूरत है हकीकत यह है कि हमने अभी अल्लाह ताला से वैसा ताल्लुक जोड़ा नहीं जैसा ताल्लुक अल्लाह ताला देखना चाहता है और जिस दिन हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से वैसा जुड़ जाएगा दुनिया की कोई ताकत मेरा और आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती अल्लाह ताला का वादा, इन्ना आमनू फिल हयाति का वादा है दुनिया के अंदर ईमान वालों की भी मदद करेगा ये जो हाहाकार मची हुई है ये जो मजलूमियत की शिकायतें हैं ये दुनिया में बर्बादी के जो फसाने ये दुनिया में हम तारीख के सामने जो मजलूमियत का रोना रो रहे हैं रोने से तो ज्यादा अच्छा है अपने आप को अल्लाह ताला के सामने लाके गिरा लो अल्लाह के सामने लाके झुका लो अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ लो अल्लाह ताला के तपर्द हो जाओ अपने आप को उसके हवाले कर दो और तवक्कुल के उस कमाल पर पहुंच जाओ जहां सारी दुनिया से बेनियाज हो जाओ और यह कहो अल्लाह हमने अपने आप को तेरे हवाले किया और तेरे हवाले करने के बाद हम मुतमिन हो गए कि मौला व नसीर तू क्या ही बेहतर बाली और मौला है और तुझसे बेहतर कोई मुआवजा

आप इसे की ऐसी मिसाल के तौर पर अपने सामने रखें जहाँ तोहद पर मेहनत हुई ताल्लुक बिल्ला पे मेहनत हुई तो अल्लाह ताला ने न सिर्फ यह के माशरे को उनके सुधार दिया सवार दिया बल्कि दुनिया की सारी नहमतों का महवर और मरकज़ अल्लाह ताला ने उनको बनाया है आज भी उनकी दुनियावी जिंदगी दुनिया के बेहतरीन कौमों वाली जिंदगी आपको नजर आएगी अल्लाह के बंदो अल्ला की तोहद पर मेहनत करो और आज वह ख़त्म हो रहा है दो मिनट मेरे पास बाकी हैं। इन दो मिनट में एक बात कह रहा हूं मेरी इस हाजिरी से आपने कोई और चीज याद ना भी रखी मेरी अब मेरी अपनी मेरी अपनी इस गुफ्तगू इस हाजिरी से आपने कोई और बात याद ना रखी तो कम से कम ये दो मिनट की बड़ी अहम बात आपको याद रखनी चाहिए मेरी दरख्वास्त है जमीत जम्मू कश्मीर के अहले इल्म और जिम्मेदारों से कि भाइयों शिर की तरदीद पे हम काम करते हैं तोहद का माना व मतलब समझाने पर हम काम करते हैं ये होना चाहिए कि यह बुनियाद है लेकिन मुझ ना चीज़ की एक राय तालब इलमाना राय आप पहले इल्म के सामने रखना चाहता हूँ कि सच तो ये है कि अल्लाह ताला के सच्चे तारफ़ अल्लाह ताला की तौहद तोहैद सिफात पर हमने कमा हकू मेहनत नहीं की अल्लाह ताली का तारुफ करवाओ दुनिया वालों के सामने अल्लाह ताली का तारुफ रखो अल्लाह के अस्माए हसन अल्लाह ताली की सफ़ा उल्या और इन अस्माए हसना का हमारी और आपकी जिंदगियों से ताल्लुक़ हमारी और आपकी ज़िंदगी पर इसके असरात इतना अजीम और इतना अहम मौजू है कि बहुत हद तक हमारे समाज में इसकी तरफ से गफलत पाई जाती है यकीन मानो अल्लाह के बंदो अल्ला की तोह तोहेद आसमा वफ़ात में अगर हम डूबने लगे ना तो फिर अल्लाह से ऐसी महब्बत होगी कि से खुद ब खुद नफरत हो जाएगी शिरक को समझाने शिरक की रद के लिए दलाइल पेश करने से ज्यादा अहम यह है कि अल्लाह ताला के सच्चे और सही तारुफ को ज़्यादा से ज़्यादा आम करवाने पे मेहनत करो और उसकी बुनियाद ये हो कि अल्लाह ताला के आसमाय हसन और अल्लाह तबारक वाली के सिफ़ात उलिया को तफसील से पढ़ा करो समझा करो, समझा करो समझाया करो इसमें क्या माना है क्या मतलब है इन सिफात का मजाहरा या मजहर हमारी और आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है यकीन करो आसमावात की बारिकियाँ वो जो इख्तिलाफी नोयीत के मसाइल उनसे हट कर तरबी नाही से अगर इस पर हमने मेहनत की अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने में इतना गैरमूली असर इसका आपको और हमको देखने को मिलेगा कि यह तजरबे ही से समझ में आ सकता है हाजी न गिरामी मेरा अपना वक्त ख़त्म हुआ मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक वाली से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली हम और आपको सही मानों में उससे अपना ताल्लुक मज़बूत करने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए तो खालिश को अल्लाह ताली मेरी और आपकी ज़िंदगी का खुलासा और निचोड़ बना दे कुल इन सलाती व नी व महियाबी ला शरीक व बिद अली का उमर तोमसलिमिनत ग्रिरामी कदर गुफ्तु के अख्ताम पर मैं ये बात आपके सामने कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया की तरफ़ से कि आप हजरात शायद पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी आपके में यह बात लाई जा रही है कि अगले महीने नौ और दस नवंबर को मरकज़ी जमियत अलहदीस हिंद की जानिब से दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर मुल्कगर सतह की एक शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होने जा रही है जमयियतदीस जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको दावत दी जाती है कि अगर आपके फ़रज़ और वाजिबात में खलल ना पड़ता हो तो फिर ज़रूर आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ और ला कर वहाँ दिए जाने वाले इल्म और हिकमत से खुद मुस्तफ़ीद हों और वापस लौट कर अपने समाज को भी रोशन करने की कोशिश करें अल्लाह में अपना अपने हिफ व अमान में रखे कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने के तोफ़ी क़ा फ़रमाएँ मैं अपनी गुफ्तु के अख्ताम पर जमयत अलेदीस जम्मू व कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखसूस सदर जमीयत फदीलतुलद्दूर अब्दुलतीफ़ अल्कंद का ये आपकी महबतें हैं कि हम माजरत नहीं कर पाए चले आए लेकिन अब हम आपके शक्र गुज़ार हैं कि आपने इतनी बेहतरीन समातें हमारे हवाले की हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताली हमारे इस रिश्ते को अल्लाह ताली की रज़ा और खुशनुदी की खातिर तदम हयात बाकी रखे आमीन व आखिर आखिरदान्हदबिलमी